हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल चालनी क्लासेस में। वेलकम बैक टू अनदर क्लास। हाउ आर यू ऑल? आई थिंक आप टू गुड हैं, बेस्ट हैं, ऑसम हैं, बढ़िया हैं। अच्छे से रहिए, पढ़िए, एंजॉय करिए। चलिए आइए करते हैं शुरुआत। हो गया है हमारी इस क्लास का समय, बज रहे हैं रात के 9। यहाँ पर हम क्लास करते हैं डेली 9 PM पर। हमारी मैथ की क्लास होती है, कुछ दिनों से नहीं हो रही थी, अब रेगुलर होगी क्योंकि आप लोगों के जो चैप्टर्स अब आगे पढ़ने हैं वो करवाएंगे। मैथ की क्लासेस हम ज़्यादा ही करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है यहाँ पर शालिनी क्लासेस में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। और आपके जो भी डाउट हैं वो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आज हम यहाँ पर मैथ की क्लास में चैप्टर 6 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 5 तक मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया, प्लेलिस्ट बनी हुई आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए तो हर क्लास का लिंक आपको 10 से 15 मिनट पहले दिया जाता है, ताकि आपकी क्लास कोई भी, और आज सुबह की 10 AM की क्लास, उसके बाद शाम की 4 PM की क्लास आप सभी ने अटेंड की या नहीं की बताइए। उम्मीद है कि किया होगा, जरूर नहीं किया ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चंस करवाए गए थे, 4 PM में भी आपकी अच्छी क्लास हुई थी। तो ये आपका शेड्यूल रहा है जहाँ पर हम चीज़ें करवा रहे हैं। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं आज की इस क्लास के लिए। देखते हैं क्या चीज़ें हैं जहाँ पर हमें पढ़ना है। तो चैप्टर 5 तक तो मैंने आपसे बुक से पिक्चर्स को क्लिक करके PDF बना के करवाया, कहा था कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट उतनी नहीं रहेंगी उनको मुझसे से करवा देंगे, कि लिखने के लिए टाइम नहीं वेस्ट करना, लेकिन जो चीज़ है उसको करना तो बनता है। तो चैप्टर 6 की शुरुआत में समीकरण, सर्वसमिका। समीकरण को इंग्लिश में इक्वेशन कहते हैं और सर्वसमिका को आइडेंटिटी कहते हैं, जो कि हम क्लास 5th में, 6th, 7th, 8th में ये इक्वेशन के बारे में हमें बनाना आ जाता है, कि इक्वेशन के सवाल हमको आते हैं और हम सॉल्व करना सीख जाते हैं। तो वही सेम है यहाँ पर, एकदम इजी लेवल का है, टफ लेवल का। इसके आगे जो भी रहेगा हम आपको बताते चलेंगे। शुरुआत करते हैं, आइए जानते हैं कि परिभाषा इसके बारे में क्या है। तो समीकरण की कभी परिभाषा लिखने को नहीं आएगी, सर्वसमिका की कई बार तो आई हुई है लेकिन कभी समीकरण की नहीं आई, ठीक है। देखते हैं क्या है लिखा हुआ है। जब किसी विधि समीकरण को विशेष नियम के अनुसार तहत सजाया जाता है, इज इक्वल टू मतलब बराबर का चिन्ह लिखकर उसे हम समीकरण कहते हैं। समीकरण में हमेशा जो है आपके अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए रहते हैं, नंबर न्यूमेरिकल और अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दोनों साथ में होते हैं और इज इक्वल टू का चिन्ह लगा रहता है। तो समीकरण में क्या होता है कि हम कुछ अल्जेब्रिक इक्वेशंस के फॉर्म को दिए रहते हैं, इजी इजी हमें उसे सॉल्व करना रहता है। इनकी परिभाषा में नहीं उलझना है क्योंकि डेयर फ्रेंड्स आता नहीं है, सवाल पे आओ डायरेक्टली। इसके एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। देखिए, जैसे आपको एग्जांपल दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का इक्वेशन है। तो a प्लस बी यही चीज़ तो लिखी है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब a प्लस बी दो बार लिखा, एक बार ये, एक बार ये, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू का यहाँ पर साइन लगा हुआ है, तो वे एक इक्वेशन बन गई, क्योंकि हम इसको प्रूफ करेंगे तो यही आपका निकल के आएगा बाद में। उसके बाद फिर यहाँ पर है x प्लस फाइव बराबर बारह, ये भी क्या है, एक इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, ठीक है, सिंपल सा। अब आइए सवाल पे चलते हैं, सवाल लगाएंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, फटाफट सभी बच्चे सॉल्व करें। 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 24। सभी, ईच एंड एवरी वन, क्वेश्चन कॉपी पेन लेके बैठना हो तो बैठिए, नहीं तो मुंह जबान से कर सकते हैं तो कर लीजिए, बहुत ईजी है, कर लेंगे। जल्दी लगाइए, क्या होगा आप लोग खुद का टेस्ट खुद करिए, ये ज़रूरी नहीं कि हर समय मैं आपसे देखूं आपको करूं तभी, ठीक है। चलिए जल्दी से करिए, 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 24। हाउ टू सॉल्व इट, करो 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 करो, जल्दी से करो, क्या होगा। बहुत बेसिक सा आंसर है, बहुत ही माइन्यूट सा आंसर है, आपको दिया हुआ है 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 24। तो पहले ये देखना, जब ऐसे सवाल को सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन जो एक्सप्रेशन होते हैं उनको एक तरफ करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को हम एक तरफ करते हैं। तो जैसे 12 दिया है इज इक्वल टू के इस साइड, हम क्या करेंगे, सबसे पहले 12 को उठाएंगे और मैं सॉल्व कर रही हूँ, देखिएगा हम क्या करेंगे, लिखेंगे 3x इज इक्वल टू 24 माइनस 12, ठीक है। ये यहाँ पर प्लस में था, प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। उसके बाद हम जानते हैं क्या आएगा, 12 आएगा, यहाँ पर 3x एज इट इज़ रहेगा, 3x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 12/3, तो यानी कि 4। तो x की वैल्यू 4 आई, अगर आप सभी की x की वैल्यू 4 आ रही आपका सही है, देख लीजिए सेम 3x माइनस 24, ये प्लस में है यहाँ पर, ये आपका 12 में जाएगा माइनस में, इज इक्वल टू के इधर जाने पर सिंबल चेंज हो जाता है, आप ये बात जानते हैं। 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12/3 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, राइट आंसर। आपको एक नंबर बहुत ईजिली मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल,
नेक्स्ट लगाइए। नेक्स्ट सवाल आपको दिया है 5x + 2 = 3x + 8। मैंने लिख दिया है, सॉल्व करिए। 5x + 2 = 3x + 8। क्विक डू इट फास्ट, जल्दी से सॉल्व करिए कि राइट आंसर क्या होगा। मुझे क्विक से आंसर बताइए। 5x + 2 = 3x + 8। एकदम जैसे ऊपर का केस सेम वैसे ही, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। जल्दी से सॉल्व करिए कि 5x + 2 = 3x + 8। तो कैसा सॉल्व होगा, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। इक्वेशंस को एक साइड करिए, न्यूमेरिकल वैल्यूज को, कांस्टेंट वैल्यूज को एक साइड करिए, देन सॉल्व करिए। इक्वल टू के इधर कोई चीज जाएगी तो आपका सिंबल चेंज हो जाएगा। तो वैसे ही सेम कर दीजिए। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, बहुत आसान है, बहुत टफ थोड़ी है। 5x ठीक है, -3x, ये 3x जो इधर प्लस में इसको उधर ले आएंगे, इक्वल टू के माइनस हो जाएगा। 8 - 2, क्योंकि 2 जो है ये प्लस में दिया है, तो ये आपका हो जाएगा 2x ठीक है। यहाँ पर आपका हो जाएगा 6, हो जाएगा ना, 6 ही तो आएगा। उसके बाद x = 6/2, यहाँ पे आपका x की वैल्यू 3 आएगी। x की वैल्यू 3 जिनकी भी आई है उनका करेक्ट है, x की वैल्यू 3 जिसका भी आया है उनका करेक्ट है, ध्यान रखिए। ये देखिए, सबसे पहले यही किया हम, यहाँ पे 2 को उठाए, न्यूमेरिकल वैल्यू ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू इनको एक साइड कर दिया, और ये अलजेब्रिक एक्शन एक साइड कर दिया। तो ये 5x - 3x = 8 - 2 = 6 आया, 2x x = 6/2 तो कट गया, तो ये 3 आया, तो x की वैल्यू 3 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आ गया, तो ध्यान रखिएगा। इसी के साथ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये वाला सॉल्व करिए, दिया हुआ है 6y - 9 = 2y + 15। यही सॉल्व करना है, बहुत बेसिक सा है। 6y - 9 = 2y + 15। क्या सॉल्व कर सकते हैं, क्या सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे ऊपर के दो सवाल आपने सॉल्व किए, सेम उसी तरीके से आपको यह भी सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यूज़ को एक साइड करिए और सारी वैल्यूज़ को एक साइड करिए। तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर आपको दिया है 6y - 9। अब यहाँ पर 9 है, 9 को उधर लेके जाओ, तो -9 दिया, तो वहाँ पर जो 9 है वो इक्वल टू के उधर जाएगा, तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं? इस चीज़ को ध्यान रखिए तो आपको ये चीज़ बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगी। तो हम ये 9 को उठाएंगे, यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पर आएगा प्लस में आ जाएगा, और ये 2y हमको यहाँ पर प्लस में दिया, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यही आपको दिया है। फिर आप क्या करोगे, 6 में से आप 2 को माइनस करोगे, सिंपली तरीके से। 6 में से जब आप 2 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, आपका 4 आएगा, और उधर क्या जाएगा, आप में से 15 और 9 को आप ऐड करोगे तो 24 आएगा। फिर 24 में 4 से भाग कर दोगे तो 6 आएगा। मैंने क्या कर दिया था, पहले गलती कर दी थी, इसको मैंने डिवाइड कर दिया था, मैंने इसलिए यहाँ पर 3 लिख दिया था, मेरा आंसर 8 है। बाद में देखा मैंने, नहीं गलत हो गया था, ठीक है, मैंने करेक्ट कर दिया। तो ये यहाँ पर आपका क्या होगा, 24 / 4 हो जाएगा, तो 6 आपका निकल, क्योंकि 4 × 6 = 24 होता है। सिंपल, वेरी इजी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ये वाला लगाइए, देखिए चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। x + 5 = 3। हमने क्या किया है, इसका ये 5 को उठा के इधर कर दिया है, ठीक है, 5 को यहाँ से उठाया यहाँ कर दिया है, और यहाँ पर आंसर 2 आ गया। तो क्या ये आंसर सही है, क्या ये आंसर सही है, मैं पूछ रही हूँ आपसे, आप सभी से, क्या ये सही है, क्या आएगा, क्या ये सवाल मैंने सही सॉल्व किया है, आपको क्या लगता है, सही है गलत है, गलत बात है सही बात है? तो यहाँ पर ध्यान रख लीजिए, मैं बता देती हूँ ये गलत है। जानते हैं क्यों, ये -2 राइट आंसर आएगा, 2 नहीं आएगा, मैंने जानबूझ के नहीं किया, देख लीजिए मैं बता देती हूँ, ध्यान रखिएगा, मत सोचिएगा गलत आएगा, सिर्फ माइनस का फ़र्क है। ये एक्चुअली में होगा कैसे, x = आपको 3 दिया है, 3 - 5 होगा, यहाँ पर 5 प्लस में रह जाएगा तो प्लस, क्योंकि सिंबल तो चेंज ही नहीं हुआ ना, 5 इधर भी प्लस में रह गया और इधर भी प्लस में रह गया, ऐसा हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ध्यान रखिएगा, अब क्या आएगा, x = -2, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सवाल सही है, ये वाला, ना कि ये वाला, ठीक है, ध्यान, सिंपल है, ईजी है। आगे बढ़िए इसी के साथ, नेक्स्ट लगाइए। दिया हुआ है 3x - 8 = 4। 3x - 8 = 4। जैसे आपको सिंपल मैंने इससे पहले बताएं, ऐसे सेम आपको करना है, बहुत आपको लजना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत इजी है, अगर आप करना चाहेंगे तो आप कर लेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ज़रा सॉल्व करिए, सभी बच्चे लगाइए कि कैसे आप सभी इसको लगाएंगे, और सबके आंसर आने चाहिए, किसी एक को नहीं लगाना, मैं इसीलिए आराम से लगवा रही हूँ रुक रुक के, कि आप सभी इसको ज़रूर लगा लें।
तो यहाँ पर जो मैंने आपसे पूछा है वही सेम करिए, यहाँ पर 3x दिया, यहाँ पर 8 दिया है, 8 को इक्वल टू के उधर लेके जाए तो 8 यहाँ पर प्लस में दिया इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, सॉरी माइनस में दिया प्लस में जाएगा तो 8 4 12 आ जाएगा और 3 से भाग दे देंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए 3x इज इक्वल टू 4 प्लस 8, 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12/3 इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू x इज इक्वल 4 आ गया। ये हम चेक भी कर सकते हैं, जैसे आप सोचते हैं कि जैसे सॉल्व किया आपने तो ये सही कहते थे, तो यहाँ पर जहाँ पर x दिया है यहाँ पर आप 4 रख दो, ठीक है, क्या कर दो वहाँ पे आप 4 रख दो, आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, तरीका है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट लगाइए 5x+2-22 इज इक्वल टू 0, 5x+2-22 इज इक्वल टू 0, सॉल्व इट क्विक, डू इट फास्ट, लगाएंगे तभी आएगा फ्रेंड्स, इतना ध्यान रख, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है बिना लगाए कभी किसी को आता नहीं है, आप लगाओगे आपको आएगा, आप नहीं लगाओगे आपको नहीं आएगा, फिर आप मेरे को ना बोलना कि मैम नहीं कर पाए, जिनकी जिनकी मैथ वीक है, अब अगर इस बार तो मैथ की बहुत क्लासेस मैं कर रही हूँ और अब आपको लगाना होगा, यही आपके लिए लास्ट सोल्यूशन है, बाकी कोई ऑप्शन अब बचा नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा बेटर होगा कि आप लगाएं जितना हो सके उतना सॉल्व करें, जल्दी से लगाइए कि राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा और फटाफट क्लास को लाइक कीजिए, जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है फिर मैं आगे बढ़ूँगी और भी जो सवाल हैं वो आपको लगवाऊँगी। ठीक है, तो देखिए सिंपल तरीके से है, क्या करते हैं, अब हमको इज इक्वल टू के तो दो जीरो लिखा हुआ है, कोई वैल्यू नहीं दी गई है, हम क्या करेंगे पहले यहाँ पर ही सॉल्व करेंगे, तो हम 22 में से 2 को माइनस कर देंगे, क्या करेंगे हम 22 में से 2 को माइनस कर देंगे, जब हम 22 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ पर 20 निकल के आ जाएगा, यही तो होगा। ठीक है, 22 में से 2 माइनस करोगे तो 20 ही तो आएगा, तो हम सिंपली माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा 5x-20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 20 माइनस में है तो उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 5x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20/5 तो कट जाएगा 4 आएगा, इसकी भी वैल्यू आपकी x इज इक्वल टू 4 आई, कितनी आई x इज इक्वल टू 4 आई, समझ में आ रहा है, लगा लेंगे कि नहीं लगा लेंगे, उम्मीद है आप सभी लगा लेंगे, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप ना कर पाएँ या आपको ना समझ में आए, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं वो हम आपको 1/1 करके बताते चल रहे हैं, आसान बहुत है, वो आपके लगाने के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह। अब अच्छा सुनिए, एक दिन किसी बच्चे ने कमेंट कई दिन किया हुआ है कि मैम किस और बुक से सॉल्व करें, नाम शायद रजत है क्या, तो ध्यान रखिएगा कि अगर सुन रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि जैसे जो यूपी बोर्ड की किताब है 6th 7th 8th की, देखा तो है ही सभी ने, उन किताब को 6th 7th 8th 9th 10th तक की ले लीजिए, हमेशा टेट में भी बहुत काम आएगी, आप उसको ले लेंगे, उसमें इक्वेशन के सवाल वगैरह इस तरीके के दिए गए हैं, मैंने खुद देखा है और मैंने खुद भी लगाया हुआ है, तो वो आपके लिए इजी पड़ेगा। और साथ ही साथ मालूम है जैसे कि आप लोग ये सोचिए कि जैसे वो है CBSE बोर्ड का आपका कोई घर में बच्चा है तो ICSE बोर्ड का है तो उनकी भी किताबें आप देखेंगे तो 6th 7th 8th में इस तरह के सवाल बहुत दिए गए हैं, तो उन्हें लगाइए, मुझे मिल जाते हैं तो मैं भी आपको भेज दूँगी टेलीग्राम पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सवाल लगाइए 18-5y/3y-6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे, सेम उसी पैटर्न पे सॉल्व करना है। ठीक है, सेम वैसे ही लगाना है, जो वेरिएबल अलजेब्रिक वाले हैं उनको एक तरफ कर दो, बाकी सब एक तरफ कर दो, तो ये 18 है, ये 6 को इधर ले आओ, प्लस 6 में आ जाएगा क्योंकि माइनस 6 में दिया है, और ये -5y इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा तो इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो 8y हो जाएगा, और 18 में से 6 माइनस कर दोगे 6 माइनस नहीं प्लस होगा, क्योंकि इधर माइनस में जाएगा प्लस में होगा 24 आ जाएगा, और 24 को 8 डिवाइड कर दोगे तो 3 आ जाएगा, ये देखो देखो 18+6 है, 3y+5 है, 24 हो गया, ये 8y हो गया, और 24 में से 8 डिवाइड कर दिए, 24 में 8 से भाग कर दिए तो y की वैल्यू 3 आ गई, और 3 आपका राइट आंसर ऐसे सेस करके निकल के चला आएगा। तो 7 क्वेश्चन तक मैंने अभी तक करवाया, तो क्या 7 में ऐसा कोई है यहाँ पर जिसको 7 समझ में नहीं आया, कोई ऐसा है जिसको 7 तक समझ में नहीं आया, अगर नहीं आया है तो 2 बार देखिएगा, 2 से 3 बार देखिए, इन सब के नोट्स जो दिए गए हैं टेलीग्राम पर उसमें भी क्वेश्चंस बहुत सारे दिए गए हैं, तो वो भी आपके लिए हेल्प करेगा, जिन्हें लेना हो अभी भी नोट्स मिलेगी, एग्ज़ाम तक आपको हर चीज़ अवेलेबल कराई जा रही है, तो नहीं है जो भी है जो बेस्ट लगे जिससे अपना भला कर पाओ वो काम कर लो, इतना मैं साफ बोल रही हूँ। ठीक है, जो बेस्ट लगे वो करो, लेकिन नंबर आना चाहिए अच्छे से, ध्यान रखिएगा, मैं पर्टिकुलरली किसका नाम लेके पूछूंगी, रिजल्ट जल्दी ही आएगा, जो भी अपडेट रहेगी मैं शेयर करूँगी। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखते हैं इसी के साथ, ये वाला लगाइए x+2 ब्रैकेट में x-2+3x इज इक्वल टू 35, जल्दी से सॉल्व करिए, क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करिए,
सॉल्व करिए, राइट आंसर क्या होगा? एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू ब्रैकेट में एक्स माइनस टू प्लस थ्री एक्स प्लस इक्वल टू 35। क्या इसका राइट आंसर होगा? क्विक डू इट फास्ट, ये क्वेश्चन अच्छा है, लगाइए। जैसे आज इजी, आप सोच रहे हैं मैम बहुत इजी है, तो सारे लोगों के लिए नहीं इजी है, ठीक है? तो मैं उनको मैथ पढ़ाती हूँ जिनको मैथ का एम नहीं आता, जिनको आता है वो कर ले जाएंगे, नहीं दिक्कत होगी। तो ध्यान रखिए कि आपको ये मैथ बेसिक से करेंगे, टफ भी लगवाएंगे। सॉल्व करिए जल्दी से कि एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू प्लस थ्री एक्स प्लस 35 क्या होगा। तो एक काम करिए, आप जानते हैं कि जब कभी ऐसे सवाल दिए हों और ऐसे ब्रैकेट में दिया हो, कोई सिंबल नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे गुणा होता है, ठीक। अब ये वाले एक्सप्रेशन को आप इस वाले टर्म में पूरा गुणा कर दीजिए। तो जब हम इनको गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे? एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स, ठीक है? ध्यान रखना, ये देख सकते हो आप इस तरीके से, यहाँ पर बहुत सिंपल दिया जा रहा है, देखिए कैसे सॉल्व होगा, सिंपल है। अब ये यहाँ पर जो दो दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर, जितने भी क्वेश्चन दिए सबको उसमें गुणा कर दो। एक्स प्लस टू एक्स ये यहाँ गुणा हो जाएगा, फिर इसका यहाँ पर होगा चार आ गया, ये तीन एक्स पहले से है, 35 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर ये टर्म है इसको इधर लेके जाएंगे, बाकी सबको जोड़ देंगे, फिर हम लिखेंगे एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स, ठीक। और 35 प्लस चार, क्योंकि यहाँ पर माइनस चार है तो यहाँ पर गया प्लस चार में हो गया। 35 और 4 को जोड़ोगे तो 9 आएगा, क्योंकि 5 चार 9 तो 39, और इनको जोड़ोगे तो 3 दो 5 एक 6 एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में जुड़ जाएंगे। अब 6 एक्स आ जाएगा, तो आप 39 में 6 से भाग करो, तो 6 से भाग नहीं जाएगा, 3 से करोगे, तो 3 दूनी 6 कर जाएगा, 3 का नाम 3, 3 का नाम 13 बटा 2। तो क्या किसी का x की वैल्यू 13 बटा 2 आई? किसी का सवाल का ये वाला आंसर आया 13 बटा 2? अगर आया है तो सही, और नंबर मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके से सवाल आपको सॉल्व करने को मिलेंगे। नाइन्थ लगाइए, 4x-5 = x+4, 4x-5 = x+4, क्विक जल्दी सॉल्व करिए, चलिए लगाइए, आसान है, बहुत इजी है। 4x-5 = x+4, मैं और भी टफ धीरे धीरे करके लगवाऊंगी, बताऊंगी, लेकिन आपको अभी करना पड़ेगा। लगाइए 4x-5 = x+4, जो अलजेब्रिक वाले हैं उनको एक तरफ, न्यूमेरिकल वाले एक तरफ, तो ये 5 यहाँ पर माइनस में रह जाएगा प्लस में, ये यानी कि ये 9 हो जाएगा, ये आपका प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो यानी कि 3 हो जाएगा, और 9 में 3 से भाग करेंगे 3 आपका आंसर आएगा। ये देखिए मैंने कहा ना, आप अगर लगा ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं, तो देख कर बता सकते हैं कि क्या आएगा। तो यहाँ पर आपका 3x हो गया, ये आपका 9 हो गया, डिवाइड करोगे तो एक्स की वैल्यू 3 आ गई। तो एक्स की वैल्यू जिनकी भी 3 आई है उनका नंबर मिल जाएगा, उनका बिल्कुल नहीं कटने वाला। आगे बढ़िए, ये वाला लगाइए, 12+6 ब्रैकेट में p-8 = 0, 12+6 ब्रैकेट में p-8 = 0। सॉल्व करिए, 12+6 ब्रैकेट में p-8 = 0, क्या होगा और कैसे सॉल्व करेंगे? सेम वैसे ही है, उसी पैटर्न पे है जैसा हमने इतने सवाल ऊपर सॉल्व किए। लगाइए जल्दी से, सभी लोग लगाइए कि यहाँ पर क्या होगा। कल फिर मैं मैथ की करूँगी, मैं लगातार मैथ की करूँगी, ताकि आपका ये 6th चैप्टर 7th चैप्टर हो जाए। 12-13 चैप्टर बचे हैं, अगर आप कोशिश में करोगे तो 5-6 सब करवा दूंगी। नवंबर में पूरा कोर्स मेरा ख़त्म रहेगा, सभी सब्जेक्ट। दिसंबर में हम क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि हम पता है एग्ज़ाम दिसंबर में ही होगा, उससे पहले नहीं होने वाला, उससे लेट भी नहीं होगा, दिसंबर में ही पेपर होगा। ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपके पास जो है 2 महीने बचे हुए हैं, जैसे आपको पढ़ लेना और 1 महीने रिविजन कर लेना है, क्योंकि 1 महीने में डेट कब आएगी पता नहीं रहेगा। 12+6x+8, जो ये 6 की वैल्यू दी है इसको उठा के इसमें गुणा करो, क्योंकि कोई सिंपल नहीं तो गुणा माना जाता है, तो यहाँ पर 6p हो जाएगा और 8 से 48 हो जाएगा। देख लो कैसे सॉल्व हो रहा है। तो 12+6p-48 = 0, 48 को इधर लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा, 48 और 12 को इधर लेके आओ तो 12 भी प्लस में है, तो ये यहाँ पर 12 जो है आपका माइनस में हो जाएगा, और ये 48 माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, तो इधर 6p रह जाएगा। तो 48 में से 12 माइनस करोगे तो 36 आएगा, और 36 को 6 से भाग करोगे तो 6×6=36 होता है, 6 आएगा। यानी कि इस इक्वेशन को जब सॉल्व किया तो आपका 6 आया। x की वैल्यू क्या आई? 6 आई, ठीक है, सॉरी p की वैल्यू क्या आई? 6 आई। तो यहाँ पर x नहीं करना, यहाँ पर p कर देना, यहाँ पर 6 रख के देख लो, आपका सेम आपको बराबर 0 निकल के आएगा। तो इस तरीके से हम इक्वेशन को चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन को चेक करना हो तो जो वैल्यू आई हो जहाँ पर वो चीज़ लिखी हो ले जाकर रख दो, उसका सॉल्व कर दो, आपको वही सेम आंसर आ जाएगा। ये लगाइए, px plus py ax minus by, सॉल्व करिए, px plus py ax minus by, कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत आसान है, बढ़िया प्रश्न है। px plus py, ठीक है, और ax plus by, तो जो टर्म आपको दी हो, ठीक है, जब ऐसे सवाल दिए हो तो इस टर्म का गुणा पूरे टर्म में करते हैं, और इस टर्म का गुणा भी पूरे टर्म में करते हैं, ठीक है, क्योंकि गुणा के सिंबल बीच में है।
अब सॉल्व करिए, तो इस पी एक्स और ए एक्स को गुणा करो तो क्या बन जाएगा, ए पी एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि दो एक्स हो जाएगा ना, एक एक्स यहाँ पर एक एक्स यहाँ पर, तो ए पी एक्स स्क्वायर। फिर इसी का इसमें करोगे तो बन जाएगा क्या, पी बी एक्स वाई, पी बी एक्स वाई, देखो मैं कर देती हूँ, तो मैंने क्या किया ए एक्स पी एक्स को ए एक्स प्लस बी वाई से गुणा किया, फिर प्लस इतना कर दिया। अब इसको गुणा करो तो यहाँ पर क्या बनेगा, ए पी एक्स वाई एक्स एक्स ए पी एक्स स्क्वायर। फिर इसको करोगे तो ए बी माइनस ए पी बी एक्स वाई। उसके बाद जब ये वाला टर्म आप देखोगे तो क्या बनेगा, ए ए क्यू क्यू एक्स और वाई, ए क्यू एक्स वाई माइनस, फिर आपका क्या बनेगा, क्यू बी वाई स्क्वायर, एक वाई इधर एक वाई इधर। तो ये इसका इतना आंसर निकल के आ गया, जो कि ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से कई सारे सवाल आएंगे जो आपको मैं करने होंगे। तो दोस्तों मैंने आज आपके लिए इस सवाल के 11 क्वेश्चन सिर्फ लिए थे, 11 के 11 करवाए। आपकी क्लास भी हो चुकी है 20 मिनट की, यहाँ पर हम क्लास ऐसे ही करते हैं और ऐसे ही करते रहेंगे हमेशा। इस वक्त हम 6 चैप्टर पे हैं, और भी सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि क्लास काफ़ी अच्छी है, आपको पसंद भी आई होगी। कोई दिक्कत अगर इस क्लास में लगी हो, नहीं समझ में, दोबारा देख लीजिएगा, और कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो, तब मुझे पूछ लीजिएगा, आपको हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।